बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहज़ान। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर वाकफियत आमा जमात दोम का बाब नंबर 7, जो कि हमारे पास है पौधे। तो आइए देखते हैं कि पौधे हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करते हैं, पौधों का होना क्यों ज़रूरी है, पौधे किस लिए हमारे काम आते हैं, हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज़ है जो कि पौधों ने हमारी जज़ब करनी है और क्या चीज़ है जो उन्होंने खारिज करनी है, पौधे के कितने हिस्से होते हैं, तो इस बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पौधे यानी कि प्लांट्स हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में जो गर्मी होती है ना, ये गर्मी तभी कम होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और पौधे उगाएंगे। क्योंकि पौधों का काम ये है कि उसने जब ये लग जाएंगे पौधे, तो पौधों ने हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और हमारी फ़िज़ा में जितनी भी आलूदगी है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अपने अंदर जज़ब करना है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, जिस ऑक्सीजन में हमने सांस लेना है। तो इसीलिए मेरा आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएँ। तो अब हम देखते हैं कि पौधे हमारी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करते हैं और उसके कितने हिस्से हैं। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो एक हमारे पास ये एक पौधा बना हुआ है और साथ ही साथ उस पौधे को लेबल भी कर दिया गया है। इस पौधे को लेबल किया गया है, इस पर जो आपको पौधे के ऊपर नज़र आ रहे हैं ये फल हैं जो ऑरेंज रंग के नज़र आ रहे हैं, जैसे कि किन्नू देखने में लग रहे हैं वो। नीचे देखें तो जो ज़मीन के अंदर है यानी कि जो ज़ेर ज़मीन है वो इसकी जड़ें हैं, और ये जो सफ़ेद रंग के आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं, और ये जो सेंटर में हमारे पास इस तरीके से एक वर्टिकल नज़र आ रहा है ये हमारे पास तना है। तो अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। ज़्यादातर पौधों में जड़ें, तने, पत्ते, फूल और फल होते हैं। ये तमाम हिस्से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पौधों के काम आते हैं। अब ये क्या काम आते हैं, हम इसको डिटेल में देखते हैं। पौधे और उनके हिस्से। जड़ें पौधों को ज़मीन में गाड़ कर रखती हैं, वो मिट्टी से पानी जज़ब करती हैं। कुछ पौधों की जड़ें लंबी और पतली होती हैं, कुछ पौधों की जड़ें मोटी और छोटी होती हैं। तब हम जड़ की बात करते हैं, जड़ यानी के रूट। पौधे को ज़मीन पर खड़े होने के लिए जड़ की ज़रूरत होती है। ये जड़ ज़ेरे ज़मीन होती है, ये जड़ जितनी मजबूती से ज़मीन के अंदर होगी पौधा उतनी ज़्यादा मजबूती से ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है। जड़ों ने मदद करनी है पौधे को ज़मीन में गाड़ कर रखने की। जड़ों का काम ये है कि वो जो हम सॉइल को वाटर देते हैं, मिट्टी में जो हम पानी लगाते हैं पौधे के लिए, उसने मिट्टी से वो पानी जज़ब करना है और जज़ब कर वो पानी जो है वो आगे तमाम हिस्सों में ट्रांसफ़र करना है। अब कुछ पौधे हमारे पास वो होते हैं जिनकी जड़ें लंबी और पतली होती हैं, और कुछ पौधे वो होती हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं हमारे पास छोटी होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास बरगद का दरख्त है, जैसे कि आप ज़मीन पे देख सकते हैं, बरगद का दरख्त वो वाला दरख्त है जिसकी जड़ें जो हैं वो छोटी होती हैं, और जो आपके पास चीड़ का दरख्त है, जो कि आप देख सकते हैं कि तस्वीर की आपकी लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है, ये इसकी जड़ें जो होती हैं ये लंबी होती हैं। और एक और बात हमेशा याद रखिएगा आसानी के लिए, जितने भी पौधे गीली मिट्टी में उगते हैं उनसे उगने वाले पौधों की जड़ें भी छोटी होती हैं, और जितने भी आपके पौधे या आपके दरख्त जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वो कौन सी जड़ें हैं जो हम खाते हैं, जो हम खा सकते हैं, जैसे कि गाजर। गाजर भी हमारे पास एक जड़ है, एक रूट है जिसको हम खाते हैं। मूली भी हमारे पास एक जड़ है। शलजम के बारे में बात करें तो शलजम भी हमारे पास एक जड़ है जिसको हम खाते हैं। चुकंदर भी एक जड़ है जिसको हम खाते हैं। तना पौधे का वो हिस्सा है जो इसे थामे रखता है। ठीक है, पानी और खुराक तने से गुजरकर आपके पौधे के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। कुछ पौधे हमारे पास वो वाले पौधे होते हैं जिनके तने नरम होते हैं, कुछ पौधे हमारे पास वो वाले पौधे होते हैं जिनके तने हमारे पास सख्त होते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इसमें देखिए जो एक पौधा आपका गमले में लगा हुआ है जो कि एक जड़ी बूटी का पौधा है, इसकी जो आपके पास तना है वो नरम है, और जो दरख्त जितना बड़ा होगा
होगा, जो कि आप ये दरख्त देख सकते हैं, उसका तना जो होगा वो उतना ज़्यादा सख्त होता है। और जैसे कि आपके पास ये कैक्टस की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, यानी कि जो सहराई पौधे आपके पास होते हैं, इनके जो तने होते हैं ये तने मोटे होते हैं और ये तने अपने अंदर पानी को जज्ब कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे पास गन्ना, आलू, अदरक और अजवाइन, ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। तो आपको ये बताते चलूं कि ये वो चीज़ें जो हम खाते हैं, जैसे कि हमारा आलू, गन्ना, अदरक, अजवाइन, ये भी तने हैं। तो जैसे मैंने हमने पीछे देखा कि कुछ जड़ें हम खाते हैं, तो इसी तरीके से कुछ तने भी हम खाते हैं। जी टीचर्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।